ओके भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 10th क्वेश्चन। 9th लास्ट टाइम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनी इंटीजर एन द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू √3 प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आई √3 की होल पावर 4n इज, करिए भाई, 5/6, 5/3, 5/2 या फिर 2/3। इन चारों को कौन सा ठीक है, करिए ट्राई। 3 मिनट ये करने के लिए मैंने, time start now। हाँ भाई, ये बंद सुन पा रहे प्रॉपर? सर मैं आ रहा था। सर मैंने मैम से पूछा था कि सर फिजिक्स की क्लास होगी, मैम ने कहा कि सर की तबीयत शायद खराब हो रही है, वो शायद आज बंद है, तो आज आप ऑनलाइन ही दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सुनाई आ रहा है नहीं आ रहा आपको, इसका तो प्रॉपर सुनाई नहीं आ रहा। समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने? सुनाई आ रहा है? यस सर, सर आ रही है आवाज। सर 5/6। 5/6 अभी कनिका हेमंत तो सारी ध्रो जन्म घर क्षितिज बताओ। और ये 4n आ गया, तो सॉल्व करके देख लो उसको, 4n 5/6 और प्लस 5/6 प्लस 4n 5/3, सही है नहीं? तो इससे भी बन रहा है इसका आंसर, ये दोनों ने 4 क्वाड्रेंट में कर लेते हैं, 2π - θ उससे करके देख लो, या 2π - θ करके देख लो, 2π - π/3, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 4n इनटू 3 to the 6 माइनस 1 5π/3 बन जाएगा। ये आंसर तो नहीं आ रहा, आ रहा है आंसर इसमें भी जो तुमने 5/6 निकाल दिया आंसर, क्यों भाई हेमंत? एक बात और कर लेंगे, बोलो पावर आ गया भाई, ये वाला ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा
और ये माइनस उसके अपॉन 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट का माइनस ही डालेंगे या तो माइनस पाई बाय 3 ले लें या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 3, किसी में आंसर नहीं आ रहा। मैंने तो सर 4n प्लस 1 को सर अंडर रूट 3 प्लस i की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस i की पावर 1 और इसको ऐसे खोल दिया था सर, तो उससे सर पाई बाय 6 की पावर 4n माइनस सब सेम आना चाहिए भाई, हमने कर रहे पावर को ब्रेक इससे हम लोग पढ़ रहे हैं हमें। यस सर, अगर पावर को ब्रेक ना भी करें तो आंसर तो सेम मिलना चाहिए हमें को, आंसर सेम क्यों नहीं मिल रहा? मल्टीप्लाई कर ली ऊपर आगे माइनस में हो जाता है तो कम आ रहा है आंसर आपका, इस तरीके से भी बन रहा है उस तरीके से भी बन रहा, तो या तो ये बन जाएगा 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 और प्लस 4n पाई बाय 3, 4 प्लस 2 6n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, अच्छा ठीक है तो ये बन गया 2n पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये आंसर होगा ना 2n पाई प्लस थीटा इस हिसाब से ले रहे हैं पाई बाय 6, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 2n पाई प्लस थीटा, सही है, ध्यान रखना आज के लिए ये पाई बाय 6 ठीक है, ऐसे बन रहा है। Yes, sir. हो गया? पेन को कॉपी कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन, फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आई साइन थीटा एज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल एन पाई एन प्लस वन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू और नन, कर ये 2 मिनट दिए मैंने, इससे ज्यादा देर कुछ नहीं है। टाइम भी लगना चाहिए,
अनिका बेटा नहीं कर पा रहे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अनिका आवाज आ रही है? यस सर। अब बेटा देखो सिंपल सॉल्व करो, वन माइनस थ्री आई साइन थीटा आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस आई की फॉर्म में लिख लो इसको, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री आई साइन थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा। क्या रियल होना चाहिए? तो रियल तो बहुत है, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? जीरो। माइनस थ्री साइन थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो दिखा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थीटा जीरो में चला गया, माइनस थ्री जीरो में चला गया, साइन थीटा जीरो, और जब साइन थीटा जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू एन पाई होती है, ठीक है? तो एन पाई आंसर आ गया। हो गया रख कर दो तो तुम हो गया बनेगा रखता हूँ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, जेड इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई की पावर 17 अपॉन वन माइनस आई की पावर 50, बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा? अब तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका। 2π/3 माइनस 5/3 माइनस 2π/3 और नन ऑफ दी।
क्या आंसर आया? इतनी देर अगर आपको मेरी क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्या मान के चलो फ्यूचर में आपके लिए है? कलिका बेटा आंसर क्यों निकाल पा रही हो? सर बस हो रहा है सर। कलिका सर बस होने वाला है, दो मिनट। क्या लिखा न्यूमरेटर में तुमने ये बता जल्दी से पहले मेरे को, हुआ नहीं हुआ बात की बात है, न्यूमरेटर में क्या लिखा? 17 pi/6 क्या तो 40 डिवाइड करेंगे 46 pi/3। आंसर नहीं आया तो 2k pi प्लस कर लेते हैं, के के तो जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ज्यादा हो जाएगा माइनस वन रखते किसी किसी के बोलो रखो माइनस वन कितना आ जाएगा 40 pi/3। अभी नहीं आया आंसर सही है नहीं? तो एक बार फिर क्या करें, अब क्या करें इसको बताओ, इसे बोले कि पाई बाई थ्री और थ्री की टेबल को भाग दीजिए है ना, आ जाएगा 30 pi+ ऐसे आ जाएगा है ना। अभी जैसे मोटे क्वाड्रेंट के डायरेक्शन में नंबर दीजिए तो नहीं आंसर ना भाई, सी ऑप्शन है आंसर, -2 pi/3 आंसर है, इससे तो नहीं आएगा भाई। तो वैसे जो फोर क्वाड्रेंट के हिसाब से करके देखिए इसमें यहां शुरू से ही तो ये आ जाएगा माइनस का 50 × 2 pi − θ होता है, ऐसे करके देखिए कितना हो जाएगा 17 pi/6 और 4 × 8 pi − 7 pi/4 बोलो योग 17 pi/6 माइनस 25 × 7 यानी 175 pi/2 6 एलसीएम आ गया तो पकड़ा हो जाएगा 17 pi माइनस का 3 जल पकड़ा हो खराब है कंडीशन क्या आया से 300 225 525 है ना करेंगे
चाहिए। दोनों में से किसी फॉर्म से आंसर आएगा, आंसर है माइनस का 2/3। पता कैसे हो जाएगा कि आंसर की फॉर्म में बनेगी। हम किसी से भी हम करके देखें, मान पहले वाले से करके देखें तो 75/6 प्लस 25y/2 और प्लस 2y कर लेगा। अगर हम केवल माइनस वन रखते हैं तो 75/6 प्लस 25y/2 और माइनस 2y कभी नहीं आएगा। 75y और माइनस 12y नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा। दोनों दोनों दी ही होगा इसका आंसर, है ना? ठीक है भाई, हाँ नन ऑफ दीजिए आंसर। पहली क्वेश्चन करिए, मॉडुलस ऑफ ई की पावर ए प्लस आई बताना है क्या होगा। ई की पावर ए होगा, ई की पावर बी होगा और होगा नन होगा। हाँ ये बताओ भाई, ये तो ओवरऑल करने वाला क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब हो गया ए की पावर ए और बी की पावर आई की कॉमन नंबर तो ये है ना, इसको मान लेंगे ए की पावर ऐसे रहेगा। E की पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है? क्या फायदा तुम्हारे फिर लगे? अरे E की पावर आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नहीं होता है क्यों भाई? रिप्लाई करो कनिका या इवन तक तो पाले में जाने या ऑनलाइन। यस सर, बस कह दो कोई रिप्लाई सर। तो फिर अब इसका मॉड क्या होगा? मॉड इसका होगा क्या होगा इसका मॉड 1। इसका मॉड भी 1 हो गया, क्या बचा खाली आंसर? ये बस ई की पावर ए आंसर बचा। अरे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसके पर आई वैल्यू लगा रहा है ये पे, जिस पे आई लगेगा उसके लिए कांस्टेंट हो गए। अगर तुम्हें ई की पावर मैंने एक्स दे दिया तो क्या ई की पावर एक्स की पावर, अगर मैं ई की पावर आई एक्स लिखा तो उसका मतलब क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, इसके अंदर ही मतलब हो ये। ठीक है बेटा कनिका। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को दोबारा निकाल पाए, इससे प्रीवियस पे जरा देखो, जरा इस बारे इस से कितना आएगा जरा देखो। याद तब तक पहुंच गए थे 46/5 तक पहले एक बार अपनी मदर पर है क्यों भाई? यस
अब इस हमने ऐसे किया 5 by 3 आ रहा है 3 के टेबल में 46 तो 16 3 जा 48 माइनस 2 5 by 3 आ जाएगा यस सर है ना तो ये 12 by 3 फॉर्म हुई माइनस का 2 5 by 3 आंसर कभी दिमाग में नहीं आती बात क्योंकि नन ऑफ दिस तो एग्जाम में आएगा नहीं ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नन ऑफ दिस ऑप्शन ही आएगा एग्जाम में पानी की तरह क्वेश्चन करा रहा है तो इस वजह से ऐसा दिख जाता है नंबर 14 नन ऑफ दिस को ऑप्शन नहीं आएगा इसका पेपर में नन ऑफ कुछ ना कुछ मतलब लिखा होगा नन ऑफ दिस नहीं होगा बस कंफ्यूजन ले जाएगा दिमाग में कि आंसर क्यों नहीं आ रहा जैसे पहले हाफ सेंटेंस में 12 में 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 तो फोर्थ ऑप्शन लिखेगा प्लस पाई बाय 3 दूसरे देखिए आपको टॉप में लेकिन नन ऑफ दी नहीं लिखेगा सर ये ही है क्या लेगा लेगा सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास z इक्वल टू जो रखा है 1 प्लस 5 रूट 3 इंटू वन प्लस आई इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो इसका जेड का एम्पलीट्यूड बताना है क्या होगा पाई बाई थ्री प्लस थीटा पाई बाई फोर प्लस थीटा सेवन पाई बाई ट्वेल्व प्लस थीटा और नन इन दोनों पर मल्टीप्लाई में बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए बहुत जल्दी आंसर बस गर्व का आंसर आ गया सर हाँ सर 7 पाई बाय 12 प्लस 10 थीटा आ रहा है सर प्लस 10 थीटा या थीटा आर्गुमेंट सिर्फ एंगल होता है ना कि 10 होता है हाँ करिका आप बताओ सर 12 पाई बाय अपॉन नहीं 7 पाई बाय अपॉन 12 प्लस थीटा हाँ सी ऑप्शन आंसर है और एक क्वेश्चन है देखो तीनों मल्टीप्लाई में तो आर्गुमेंट प्लस लेंगे ना इसका आर्गुमेंट क्या है 60 डिग्री पाई बाय थ्री इसका 45 डिग्री यानी 60 प्लस 45 105 प्लस थीटा और ये 105 है बगैर 75 ठीक है ना फिफ्टीन मॉडल बताना है नंबर दे रखा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3 इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 2 इनटू 1 माइनस आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा करिए भाई वन अपॉन रूट टू वन अपॉन टू रूट टू
पहला आंसर आया वन अपॉन रूट टू, कितने लगे मॉड निकालने में, मॉड निकालने में कितने लगती है क्या? कनिका? यस सर, मॉड की प्रॉपर्टी होती है सबका अलग मॉड लगा देती है ऐसी, मैं बताई था सबका अलग मॉड लग जाएगा, बस इसका मॉड क्या है बता देती ननार है, इसका मॉड क्या है इसका टू, टू इसका मॉड वन, वन टू का मॉड टू, इसका मॉड वन, अबे रूट टू, सॉरी सॉरी रूट टू, रूट टू, और इसका मॉड वन, वन क्या आंसर आ गया बनाता हूँ, खत्म कुछ नहीं यार, इतनी सी बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसी चीज है मैनेज करो, बहुत दिक्कत तो यही सब है। हो गया यस सर, यस सर, सिक्सटीन का ए पार्ट माइनस वन प्लस आई रूट थ्री की होल पावर 15 अपॉन वन माइनस आई होल पावर 20 प्लस माइनस वन माइनस आई रूट थ्री की होल पावर 15 अपॉन वन प्लस आई की होल पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी, 64 होगी, माइनस 64 होगी या प्लस माइनस की 32 होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहली बार कर रहे हैं इस तरीके का करने का क्वेश्चन, दो मिनट इस मीटिंग में बचे हैं, दो मिनट आगे की मीटिंग में दूंगा जब तक कन्वर्ट होगी मीटिंग बीच में, और ये जो लिंक चल रहा है मैथमेटिक्स का इसे सेव कर लीजिए, यही किसी से बार बार ज्वाइन करना है क्लास, नई लिंक नहीं आया करेंगे यार, तब तक ये क्वेश्चन में पूरा दिमाग लगाना है, फाइंड क्या करना है, क्या करें सर, फाइंड क्या करना है इसमें, बस सॉल्व करना है इसको, पावर खोलनी है दिमाग,